What's up guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, it is Sunday. So what do we do on Sunday? Happy Sunday. Happy Sunday. We always wish you a very happy Sunday, or this time it is no different. Unlike last Sunday when there was no video. Last Sunday nahi tha. So last Sunday hum wish karna bhool gaye the. So sorry for that. But yeah, Sunday ko we are back. And today we are going to do Slay Point. How was this show allowed on TV? So Slay Point ने ऐसा कुछ find out किया है जो आपको और हमें एकदम चौंकाने वाला है. You cannot guess, yeah, you cannot guess anything about Slay Point. You can't predict, yeah. So yeah, आज अपन ये करते हैं, we'll start फटाफट. But before that, if you haven't watched the original video, the link is given down in the description. Do go check it out on Slay Point's channel first. And let's start. Wait. लवकर. ओके मैडम रेडी करू चालू. ओके स्टार्ट. से उम्र में जो बड़े हैं वो हमेशा बोलते हैं कि पहले का कंटेंट कितना डिसेंट और संस्कारी हुआ करता था. True, जैसे टीवी ऑन करते ही हाथ में प्रसाद, सर पे टीका और गंगा जल के छींटे बरसते थे. पर आज का कंटेंट सिर्फ गाली गलौज. किताबों में भी गाली है. जिन्होंने नोटिस नहीं किया, दैट वाज रोडीज का ऑडियो था. दो गाली पे से मेरे को समझ में आ गया. अरे यार सबके सामने चुम्मा चाटी. अरे रुक जाओ. This is a real civil war. से हो जाता था सब. बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि संस्कार तो हो गए. जैसे ऑनलाइन सेल में सस्ती चीज बची नहीं, आउट ऑफ स्टॉक. 10 साल पहले का कंटेंट ही कितना बेटर था. Correct. हमें मिला भी एक उस टाइम का सुपर संस्कारी इज्जतदार टीवी शो. दादागिरी. What? दादागिरी. चिल्ला क्यों रहे हो भाई? दादागिरी रिवेंज ऑफ द सेक्सेस. इस शो में है स्मार्ट कंटेस्टेंट. अफगानिस्तान का ऐसा शो था. क्या है पाकिस्तान? अफगानिस्तान का कैपिटल पाकिस्तान. वेरी नाइस. यू नो व्हाट, दैट्स व्हाट शी सेड. आई थिंक मेरे को यह पता है. I'll tell you why, क्योंकि इसका एक वीडियो बहुत फेमस हो गया जहाँ पे द होस्ट लाइक स्लैप्स वन ऑफ द कंटेस्टेंट एंड द कंटेस्टेंट लाइक स्लैप्स और लाइक थाड़ करके बजाता है. आई थिंक दे विल शो इट इन दिस. मेरे को ये यूनिफॉर्म पे से याद आ गया वो. I swear you are f***ing sulfate. दादागिरी. संस्कारी रिस्पेक्टफुल होस्ट. तो भिखारी समझ में आया? नहीं. दादागिरी. दुनिया के सबसे चैलेंजिंग टास्क. एंड यू हैव टू किस हिम. दिस गर्ल, इसको ही मारा था. एक तो इन्हें रुकाया किसी इलीगल जमीन के झोपड़े में, और अलार्म लगाना ज्यादा इंसानियत हो जाती तो इन्हें उठाते हैं बम फोड़ के. हमारी फट के हाथ में आ गए. बिस्तर पे गमले फोड़ के. व्हाट द हेल. 15 मिनट में बाहर आओ. क्रू भी डरा हुआ है कि टारगेट जोन से बाहर रहो. प्रोड्यूसर का ही सर ना फोड़ दे ये राक्षस. और तीसरे दिन कोई उठाने ही नहीं आया क्योंकि आज सुबह मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी. भाई कोई इज्जत नहीं. आज सुबह मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी. दिस का कटवाओगी. शो के वैल्यूज पहले मिनट में ही पता चल जाते. वो तेरे को क्या बुरा लगता है? Why would anybody go on this show? तो तू शो से बाहर जा. क्या? चल कॉफ. What? क्या सिखाया मैंने? क्या कि जहाँ लड़की दिखे वहाँ हवाई चप्पल मार दो. क्या सिखाया मैंने? निकल. आपने निकल. भाई तू एलिमिनेट कैसे हुआ? गलती से लड़कियों की इज्जत कर दी थी भाई. लड़कियों को चप्पल मारना बुरा लगता है. अरे अच्छा किसको लगता है? तू शो से बाहर जा. आज इस एपिसोड में अलग अलग शहरों से लड़कियां मुंबई का ताजा चप्पल खाने आई हैं. यहाँ वुडलैंड स्पॉन्सर. वाह कि कोई जोर का चप्पल मारे तो इनकी स्ट्रेंथ एडवर्टाइज हो जाए. महिला हेल्पलाइन को भेज रही हूँ ये शो. कंटेस्टेंट्स बड़े जोश में आते हैं. कुछ भी कर सकता हूँ और यार छोड़ कुछ भी कर सकता हूँ. थू. तो थूको फिर. थूको थूको और अपने मुंह पे मलो. उसने आके ऐसा थूका रॉकेट के जैसे. मैं हैरान. रॉकेट से पहले कोरोना इस शो पे कैसे नहीं शुरू हुआ? रॉकेट के जैसे फूकने का मन करता तेरे पे. पर जब ये चीज कंटेस्टेंट करे तेरे को जब चाहिए तब थूकेगा. हाँ बलगम जमी हुई है. तूने कहाँ पे थूका? यहाँ से. वो थूक उठा. क्यों उठाए?
क्यों चाहिए भाई? थूक मुंह से उठा। फिर आप भी ये टट्टी शो नितम से उठा के वापस अंदर ले लो। क्या सोच के आए शो में? उनकी लेने की आदत और मेरी लगवाने की आदत। लगवाने की आदत। लाइफ में सब एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो सोचा हरासमेंट और बुलिंग एक्सपीरियंस कर लूं। कुछ भी कर सकता हूं। इट्स मेकिंग अ फाइट फॉर फूड। मिलेगा सब कुछ, छीनना पड़ेगा तुम लोगों को, छीनना। अब छीनने में अंडे फूट गए। एक तो तुम लोग अच्छा ब्रेकफास्ट हो, ऊपर से वेस्ट करते हो। तो फूड वेस्टेज का इम्पोर्टेंट लेसन सिखाने के लिए और अंडे फोड़ दिए। वाह, कैसे ऐसे कैसे बूढ़ा ऐसे बूढ़ा ऐसे ये पानी कैसे वेस्ट? ओह माय गॉड, ऐसे ऐसे बस गिर गया। हाँ, वेस्ट कर दिया तूने, कितना वेस्ट करेगा? तो तुमने मेरे बेटे को मारा कैसे? ऐसे मारा? ये तो फेवरेट। ऐसे मारा तुमने? ऐसे दादागिरी, चोमूगिरी। दिखाया पूरा ऐसे जैसे लोगों के भले के लिए बनाया शो है। यही प्लेटफॉर्म, वो चैलेंज जो आपको फेस करना होगा। हाँ, रोज फेस करती हूँ मैं चैलेंज, जिसमें कुत्ता बना के मुझे अमूल दूध पिलाया जाता है रोज, या विम टिकिया से मेरे दांत घसे जाते हैं। ब्रश करवा ब्रश। ये है वो चैलेंज जो आपको फेस करना होगा। दांतों में इतना डिटर्जेंट, चार दिन तक मुंह से झाग आ रहा होगा। बबल बाथ भर दिया था इसने कुल्ला कर करके। कर कर ब्रश कर बराबर। कुछ भी कर सकता हूँ। अबे चुप, कुछ चीजें सोच समझ के भी करती हूँ। इन्वेस्टमेंट जो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए रिसर्च करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो सेफली ऑन कॉइन डीसीएक्स। सिंपली रजिस्टर करो, बैंक अकाउंट लिंक करो और सिर्फ 100 रुपए डाल के इन्वेस्टमेंट शुरू। मिनिमम 10 रुपए में बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसी ले सकते हो, इनमें से कोई भी। क्रिप्टो ट्रेडिंग कम्प्लीटली लीगल है एंड द ऐप इज ISO सर्टिफाइड। क्या सीखा मैंने? कि मार्केट को सोच समझ के ही इन्वेस्ट करो ऑन कॉइन डीसीएक्स। बॉस को गाली देना अलाउड है और कंटेस्टेंट्स को सिर्फ सुनना। तो इन कंटेस्टेंट्स को कंट्रोल करके रोडी से पोगो पे लानी पड़ती है अपनी बात। अब ऐसा हाल करेंगे तुम्हारा कि तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, तुम्हारी शक्लें देख के लोग हेट करेंगे। शक्लें देख के लोग सब फैमिली फ्रेंड। रुका, वो हेट करेंगे। सूअर का लात मारूंगा, तेरी लेस खुल जाएगी। हेयर स्टाइल खराब है ना, उसकी मार दूंगी। मैम फैमिली फ्रेंडली, फैमिली फ्रेंडली। ठीक है, आई kick her ass hard. और वो याद रखेगी कि उसकी ass में किसने लात मारी थी। उसकी टट्टी निकलेगी ऐसी लात मारेगी कि सिर्फ आगे से गीला होता रहेगा, पीछे से पीला होने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी ass ही नहीं बचेगी। आगे से गीला होता रहेगा, पीछे से पीला होने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी ass ही नहीं बचेगी। गाली दे दो। ये शो है क्या? या एग्जैक्टली, ये शो क्या है? पता ही लगा रहे। ये शो है क्या? सब गुड, दे आल्सो हैव द सेम क्वेश्चन। जी खाली है तो उसको खाली ही दिखते सब। बुलिंग, अंडा चढ़ना पड़ेगा जो फूटा हुआ है ना। बॉडी शेमिंग, खाने की चीज और तुझसे ना हो। इट्स रियली सरप्राइजिंग। जो हाथी की बच्ची थी, बेबी एलिफेंट, उसको बुला लिए। 10 साल पहले के शो सही में कितने बेटर थे। अब आते हैं एक अभी के शो पे। अभी उदय के नहीं, अभी के शो। लड़कियों को कुत्ता बनाने से लड़कियों को पटाने तक प्रोग्रेस। यहाँ कंटेस्टेंट्स नहीं, ऑडियंस थूकती है। आप क्या करते हो? मैं प्यार करता हूँ। ओह गॉड, डेटिंग आजकल जिसमें 10 लोनली लड़के आते हैं एक लड़की को पटाने पिकअप लाइन से, जो पता नहीं सब ने कौन सा दिल का खुफिया रास्ता .com से उठाया है। ऐसे तो मैं इवेंट मैनेज करता हूँ, पर आज मैं अपना खुद का इवेंट मैनेज करने आया हूँ। ना मैं धार्मिक प्यार करना चाहता हूँ धार्मिक तरीके से। है? धार्मिक तरीके से? क्या डेट पे बलून के जगह नारियल फोड़ोगे? वैलेंटाइन पे कैंडल लाइट जगराता? सो शैंपेन नहीं, एक पतंजलि तुलसी पंचांग। प्यार करना चाहता हूँ धार्मिक तरीके से। सो ग्लास? नहीं नहीं नहीं, हाथ में ही दे दो धार्मिक तरीके से। अरे अरे अरे, कल वेकेशन में बीस ने हवन रखवा के बोला बॉन फायर है। नेक्स्ट लड़की पटाओ कंटेस्टेंट। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम हेवन? मैं क्लास 6 में भेजा करता था। मैं यू कम फ्रॉम हेवन? रिप्लाई क्या आता था? वो रिप्लाई आ गया, तू नरक से आया। बोल ना, अभी उदय आपके ऊपर पुलिस केस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर दिखना भी इलीगल है। इतना सुंदर दिखना भी इलीगल है। घिनौनी लाइन से अगर ये हट गई तो मुझे अगले रॉकेट से बाहर कोरियर करो।
जा रहा हूँ मैं। एक्सेप्ट और ब्लॉक। Oh my God. जल्दी चला, भगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे अब। एक तो लुक ऐसा कि अपने चोटी से गला घोट देगी अगर एक्सेप्ट नहीं करा। इसीलिए उसने एक्सेप्ट बन के बोला भी तो। इतना सुंदर दिखना भी इलीगल है। ये है तुम लड़कियों का स्टैंडर्ड। जी कर। Oh my God. लेकिन मम्मी कहती है चोरी करना गंदी बात है। चोरी करना गंदी बात है। भाई आप ये बोनवीटा पी लो, ये आपकी बैग, इसमें लॉलीपॉप डाल दिए, चूसते चूसते लिटिल चैंप के सेट पे चले जाओ, क्योंकि यहाँ आप एक मैच्योर कंटेस्टेंट की सीट चुरा रहे हो। और चोरी करना गंदी बात है। फिर लड़की ने कहा ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ सिमिलैरिटीज हो। तो ये भाई इंसान हूँ जिसकी दो आंखें, दो कान, दो पैर, दो हाथ, एक बड़ा सा दिल है। ओहो, सच्चा चौधरी दिमाग। इससे सिमिलर बंदा कहाँ ही मिले। दो पैर, दो हाथ, ये क्वालिटी तो हर बंदर में भी है। केला दिखा के उन्हीं को ना डेट कर ले फिर। ओह माय गॉड, अ स्माइल। आई एक्सेप्ट। वाओ वाओ, हम यहाँ कपड़े, हेयर स्टाइल, आईफोन पे खर्चा करते रह गए। ये भाई बॉडी पार्ट गिनवा के लड़की ले गया। करना ही इंसान हम ही एलियन है जिससे कोई ना पटती। खुफिया रास्ता .com से तैयारी करके नहीं आए वो नाचते हैं और उन्हें वो भी नहीं आता। I tried crash course of twerking. Twerk कहाँ, घोड़ा चला रहा है। Actually, actually. पिलियन, जब बाइक खड्डे से जाते हैं वो twerking. What? नौरा पति का मार्केट क्रैश कर दिए। इतना रफली कौन डांस करता है, मैंने ड्रेस पहना। ओह माय गॉड, इतना रफली कौन डांस करता है, मैंने ड्रेस पहना हुआ है। बी डेलिकेट विद मी, मैंने विग पहना हुआ है। बी डेलिकेट विद मी। लोगों को हंसाता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। हम नल्ले अलाउड है। अरे मैं तो सबसे पहले पहुँच जाता। मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं आपके साथ व्लॉग्स बनाना चाहता हूँ। सच्चा यूट्यूबर सिर्फ कोलैब की पड़ी है। लड़की को लाइक, बाद में ब्लॉग पे लाइक्स आने चाहिए। प्रायोरिटीज। सो आई वुड लाइक टू ट्रैवल विद यू, मेक सम रियली नाइस व्लॉग्स। अबे ब्लॉग ब्लॉग, ऐसे ही लोग फिर सुहागरात का भी ब्लॉग बनाते हैं। कंटेंट की कमी होती है तो हम Q&A बनाते हैं। और ये एक डेटिंग शो पे कोलैब ढूंढने चला गया। मेक सम रियली नाइस व्लॉग्स। ये बंदा ना पेरिस में भी घुटने पे बैठ कर रिंग लाइट पहनाएगा रिंग के जगह। आप करते क्या हो, आई मीन अदर देन यूट्यूब? क्यों, YouTube काम नहीं है क्या? एक ऐप बनाते हैं साथ में मिलते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ पैसे तो कमा पाएंगे एटलीस्ट। क्या हसमुख कॉन्फिडेंस से यूट्यूबर्स को गरीब घोषित किया है। पैसे तो कमा पाएंगे एटलीस्ट। क्या इधर इधर दर्द हुआ, इधर US जाके YouTube खरीद लिया। 6.5 मिलियन की नेटवर्थ, फिर भी पैसे तो कमा पाएंगे एटलीस्ट। यूट्यूबर्स को गरीब घोषित किया है। ऐसा लगता है तुम दोनों भाई हो, तुमने काजल वाजल लगा। क्या काजल गैंग है तुम्हारी? रोस्ट हो गए भाई। आप वही हो ना जिसकी अभी मम्मी कॉल कर रही थी, बेटा कहाँ पे है? आपने तो उनको बोला दूध लेने जा रहे हो। रोस्टेड भाई, अरे भाई रोस्टेड। ओ भाई हम इसे नहीं जानते। कौन हो भाई आप? I can roast Karan right now if you want. Oh really? Try. Let's do it. हमारा कोई नाता नहीं है इससे। उधर किसी से पूछो। I'm Pulkit Kapoor. इतनी अकड़। There are 15,700 people who are watching my videos. That's 10% of the people that watch my stories. Oh yeah. आपकी दिल्ली वाली एक्सेंट मेरे दिल में मोमो की तरह उतर चुकी है। एग्जैक्टली पर इसे देखो, जैसे इससे रोमांटिक चीज कभी सुनी नहीं। मोमो की तरह उतर चुकी है और जीत गया शो। मोमो लड़के मोमो फोमो में पट रही है। अब क्या मुंबई में वड़ा पाव की लाइनें मारते फिरूं? बेबी तुम्हारी ब्यूटी वड़ा पाव की तरह गैस दे रही है। क्या इसे ही कहते हैं बटरफ्लाइज इन स्टमक? तुम मेरी बाहों में लगती हो जैसे पाव के अंदर मोटा ऑयली वड़ा। आई एक्सेप्ट। सो
सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस. अगर ये वीडियो आपके दिल में मोमो की तरह उतर चुका है, मोमो की तरह उतर चुकी है, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो या डाउनलोड करो कॉइन DCX. कूपन कोड स्ले 100 यूज करोगे तो 100 रुपीज का फ्री बिटकॉइन मिलने का मौका मिलेगा. और अभी हैप्पी डेज ऑफर भी चल रहा है जिसमें रोज 1,00,000 तक का बिटकॉइन आप जीत सकते हो. और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में जानने के लिए DCX लर्न प्लेटफॉर्म चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में. एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. थिंक इनको भूख तो लगी होगी, इनको तो हमेशा 24 घंटे भूखी लगी रहती है. दे कांट थिंक एनीथिंग एल्स बट फूड. जब मैं लंच खाते खाते डिनर का मेन्यू पूछूं, इनको तो हमेशा 24 घंटे भूखी लगी रहती है. पूरी शादी में बुफे में बिताऊं, इनको तो हमेशा 24 घंटे भूखी लगी रहती है. इट्स सो ट्रू. निकल यहां से. गेट आउट. Hey, that was so true, boss. Why would people go on such shows? Yeah, इन लोग ने वो दिखाया नहीं, वो मारा वो. It's such an iconic clip that is. I think maybe वो violence होगा उसके लिए नहीं दिखा रहेगा. Probably. I remember what you're talking about. Yeah, I remember that guy. What's the video? मेरे को नाम देखने दो. Yeah. Oh, this one. First ही इसका क्या नाम है? Hero Honda Hunk Bindas Dadagiri. इस पे उसने मारा था भाई साहब, क्या बजा दे. एंड यू नो व्हाट, ये शो इज आई थिंक इट वो रोडीज के टाइम पे आया था, जब रोडीज वाज ऑन फुल फ्लेज्ड, यू नो, जब रोडीज एकदम आसमान छू रहा था, पीपल वर गोइंग मैड, तभी आई थिंक उन लोग को लगा रहेगा कि यू नो खाली है गाली गलोच एंड थोड़ा ऐसा व्हाट दैट रघु एंड राजीव आर डूइंग, ये सब चलेगा तो अपन एक वैसा ही शो बनाता है उसका. आई थिंक द एम वॉज ओनली टू बी लाइक बुलीज. The host being bullies. Yeah, the name being Dadagiri. Yeah. Some of the contestants, they looked only embarrassed, like, ये कहाँ फंस गया हम? क्या अभी पैसे के लिए करना पड़ता है? क्या करने का भाई, करना पड़ता है. You know what? That is the thing. कि जो भी ये struggler है, the models basically, who don't have any support, वो उन लोग को ये सब ऐसा struggle करके ऊपर आना पड़ता है. And handful of people only come through that. Yeah. बहुत से लोग ट्राई करते हैं, नॉट एवरीबॉडी कम्स थ्रू, बट इसमें से ऐसे एक दो जन आ जाते ऊपर जो यू नो लाइक रणवीर जे, वो केम फ्रॉम रोडीज एंड नाउ इज लाइक अ वेरी लाइक गुड होस्ट एंड वगैरह बानी जे. चलो, सो एनीवेज दिस वाज फनी एंड स्ले पॉइंट स्मैश्ड इट एज ऑलवेज. दिस विल बी इट लेडीज एंड जेंट्स. Thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.